नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। और आज मेरी रसोई में बन रहा है चिकन टिक्का मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया हुआ है और पीसेस को इस तरह क्यूब्स में कट करा हुआ है। ये करीब 1 किलो है। इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिकन टिक्का मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच हंकर्ड, 1 नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच ये कॉर्नफ्लावर है। इन्हें अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे मैरिनेट कर लेंगे। बस ये मैंने मैरिनेट कर लिया हुआ है और इसे मैं अभी 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए रखने वाली हूँ फ्रिज में। इन चिकन पीसेस को रेस्ट करते हुए 1 दिन हो चुका है। मैंने आपको दिखाया कि कल मैंने इन्हें मैरिनेट करके रखा था। अब इसे मैं इस पैन में मैंने तेल गरम किया है, इसमें शैलो फ्राई करती हूँ। इसे मैं ढककर करीब 5 से 7 मिनट के लिए पकने देती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने मध्यम ही रखी हुई है। इसे अब मैं दूसरी तरफ से भी वापस से सेक लेती हूँ। दूसरी तरफ से भी इसे मैंने सेक लिया हुआ अच्छी तरह से। अब ना मैं इस गैस के ऊपर ये जाली रखूंगी और इसमें हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें सेक लूंगी। तो बस ये मेरा चिकन टिक्का अब खाने के लिए रेडी है। मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। इसे ना मैं इस कटोरी में निकाल लेती हूँ। और इस पे थोड़ा सा ऊपर से बटर लगाएंगे। आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, मैं ब्रश का यूज नहीं कर रही हूँ। के ऊपर से थोड़ा सा ये चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो ये मेरा चिकन टिक्का आप खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड आई होप आपको मेरे इस चिकन टिक्के की सिंपल सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। एक्चुअली मुझे चिकन टिक्का मसाला बनाना था बट मैंने यहाँ पे आपको जो रेसिपी शेयर की है सिर्फ वो चिकन टिक्का की ही शेयर की है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।